हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है टेबल क्रिएट करना सिखाया था, किस तरह से आप जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास जो टेबल है वो अभी कोई भी डेटा उसके अंदर जो है रिजाइड नहीं करता है, उसमें कुछ भी डेटा हमने स्टोर नहीं किया है। तो टेबल में डेटा फिल करने के लिए एसक्यूएल की एक दूसरी क्वेरी है जिसका यूज किया जाता है, उसका नाम है इंसर्ट इन टू क्वेरी का यूज करके आप डेटाबेस का जो भी टेबल है उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम डेटा किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट इन टू क्वेरी किस तरह से यूज की जाती है उसके बारे में सीखते हैं। दोस्तों, डेटाबेस में जैसे मैंने कहा डेटा इंसर्ट करने के लिए हम क्वेरी यूज करें इंसर्ट इन टू, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसी क्वेरी का यूज करता हूँ, इंसर्ट इन टू, और उसके बाद आएगा टेबल का नाम जो आपने यूज किया है। जैसे हम यहाँ पे टेबल यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आएगा फील्ड का नाम, वन बाय वन करके आप दे सकते हो। जैसे मेरे पास पहली फील्ड है आईडी स्पेस, उसके बाद दूसरी फील्ड है नेम स्पेस, तीसरी फील्ड है मेरे पास यहाँ पे कोर्स स्पेस, चौथी फील्ड है मेरे पास यहाँ पे ईमेल। यहाँ पे ये सारी फील्ड्स रहेगी, जो जो फील्ड्स है आप उनको इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हो, स्पेस और एंटर। थोड़ा सा स्पेस और देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आएगी वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा वैल्यूज। और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप यहाँ पे वन बाय वन करके इसको वैल्यू यहाँ पे असाइन करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आईडी है, मैं इसको न्यूमेरिक यहाँ पे वन यहाँ पे सेट करूँ क्योंकि ये न्यूमेरिक डेटा है। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास फील्ड है नेम, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टेक्स्ट हमारे पास डेटा है तो डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे नेम यहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ, अमन और कॉमा। उसके बाद दोबारा हमारे पास है कोर्स, तो कोर्स में यहाँ पे सेट करता हूँ BCA कॉमा। उसके बाद है ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी देते हैं aman.thakur@gmail.com, ये इन्फॉर्मेशन। तो इंसर्ट क्वेरी मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट होगी। सबसे पहले आता है इंसर्ट इनटू जो क्वेरी हमने यहाँ पे यूज किया, उसके बाद आएगा टेबल का नाम, उसके बाद आप वन बाय वन करके कॉमा के साथ सेपरेट करके अपनी फील्ड्स जिनमें आपने वैल्यू फील्ड करनी है आप यहाँ से वन बाय वन करके असाइन करोगे, और पैरेंथेसिस क्लोज। उसके बाद वैल्यूज का यूज करके पैरेंथेसिस के अंदर आप इन सभी फील्ड्स को वन बाय वन करके वैल्यू प्रोवाइड करोगे। और जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख के आ रहा है क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड, जिसका मतलब पहली जो पहला डेटा या रिकॉर्ड जो है हमारे पास यहाँ पे फिल अप हो गया। मैं दूसरा रिकॉर्ड यहाँ पे फिल करता हूँ द्वारा, जैसे मैंने कहा है पहले हम अप एरो का यूज करके यहाँ पे यूज जा सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक चीज यहाँ पे पहले बताया था, हमारे पास जो आईडी फील्ड है हम इसको फोर्सफुली यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड भी कर सकते हैं, या अगर आपने जैसे हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट में यहाँ पे रखा है तो मैं यहाँ से इस फील्ड को डिलीट करता हूँ तो इसकी जो भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास अगली कमांड वैल्यूज, और मैं यहाँ से मैं अप एंड डाउन एरो का यूज करके यहाँ से डिलीट करूँ ये चीजें, और हम यहाँ पे अब अमन के बजाय रवि, और यहाँ पे देते हैं MCA, और इसकी जीमेल आईडी चेंज कर देते हैं ठाकुर रवि@gmail के बजाय हम यहाँ पे देते हैं yahoo.com और एंटर हिट करते हैं क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड। एक और यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करता हूँ, और इस बार दोबारा से हम मैं अपना नाम यहाँ पे सेव कर देता हूँ, कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड्स यहाँ पे सेव करके रख देते हैं पविंदर एंड PGDCA ठाकुर pavinder07@gmail.com, दैट्स माय जीमेल आईडी, और एंटर हिट कीजिए। और इस तरह से मैंने यहाँ पे थ्री डिफरेंट रिकॉर्ड जो है अपने डेटाबेस में टेबल में सेव कर दिए। तो इंसर्ट क्वेरी का यूज करके आप जो है डेटाबेस में इस तरह से रिकॉर्ड जो है फिल कर सकते हैं, जितने भी रिकॉर्ड आपने यहाँ पे फिल करने हैं आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं।
और अगर आपने रिकॉर्ड जितने भी रिकॉर्ड यहाँ पे डाले हैं स्टोर किए हैं आप उनको फेच करना चाहते हैं, इसके लिए यूज की जाती है MySQL की सिलेक्ट क्वेरी। तो सिलेक्ट क्वेरी के बारे में हम आगे एडवांस में सीखेंगे, फिलहाल के लिए मैं SQL की सिलेक्ट क्वेरी के यूज करके यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड है वो हम चेक करते हैं जरा कितना रिकॉर्ड है, क्या क्या एंट्रीज इसमें डाली है। तो इसके लिए यूज किया जाता है सिलेक्ट, सिलेक्ट क्वेरी का यूज करके, और मुझे सभी फील्ड्स से सारे रिकॉर्ड चाहिए तो मुझे मैं यहाँ पे स्टार यूज करूंगा, एस्ट्री का साइन, सेलेक्ट ऑल, और उसके बाद है फ्रॉम, उसके बाद है टेबल का नाम स्टूडेंट्स और सेमी कॉलन। जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ ये देखिए जो भी मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड है 1 2 3 और जो भी रिकॉर्ड है वो सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो अप हो रहे हैं 1 बाय 1 करके। होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर जो भी टेबल हमने क्रिएट किया है, और किस तरह से हम फेच कर सकते हैं डेटा जो भी हमने स्टोर किया है टेबल के अंदर। दोस्तों मेरी वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद, और कोई भी क्वेरी हो जरूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।